बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको डॉलर और रियाल रेट से मुतलक अपडेट करता हूँ। मैं रोज़ बरोज़ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज भी आपको रियाल रेट और डॉलर रेट के मुतलक अपडेट करूँगा। मैं काफ़ी हैरान हूँ, मैं आज ही एक ही दिन में यानी कि इतनी बड़ी तब्दीली मैंने देखी है जी, रियाल रेट एंड डॉलर रेट में। डॉलर रेट में ज़्यादा तब्दीली देखने में आई है, जो कि पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं अभी, आपको पता ही, हुकूमती मामला, तो उन सबको देखते हुए। बहरहाल आपके साथ मैं यहाँ पर आपको पहले डॉलर रेट से अपडेट कर देता हूँ। मैं देख लें, 184.09 रुपये रेट था जी पहले इसका। मैं आपको स्टेट बैंक पाकिस्तान का रेट दिखा रहा हूँ मैं, और इसके बाद 185.23 रुपये हो चुका है। यानी कि बहरहाल न्यूज़ में ये चल रहा था, 1.31 रुपये डॉलर भाई एक ही दिन में बढ़ा है। अभी ओपन मार्केट की अगर बात करें तो 186.87 रुपये जा रखा है, और ये स्टेट बैंक का रेट है जी 185.23 रुपये। तो कल हो सकता है ये 1 रुपया या 2 रुपये मजीद महंगा हो जाए। पर अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक्सचेंज रेट दिखा दूँ, आप देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान 49.16 रुपये, इंडिया भाई 20.13 रुपये, और बांग्लादेशी टका की बात करें तो 22.97 रुपये। एक चीज़ के ऊपर गौर करें, बांग्लादेशी टका और इंडियन जो रुपीज़ हैं वो बिल्कुल सेम वही रेट चल रहा है जो पहले वाला था। हल्का फुल्का 1-2 पैसों का फर्क होता है, लेकिन पाकिस्तानी देख रही 49.16 रुपये, यानी कि आप यही बोल रहे हैं कि 50 के करीब करीब जा चुका है। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो आपको मैं बता दूँ, फौरी बैंक अल जजीरा की बात करें तो 48.20 रुपये इनका रेट है, 10 रियाल इनकी फीस है जी। और STC पे की बात करें तो 48.40 रुपये इनका रेट है, 17.25 रियाल इनकी फीस है। राजी बैंक की बात करें तो 48.28 रुपये रेट हो चुका है इनका भी, और इनकी भी 10 रियाल फीस है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें 48.54 रुपये रेट हो चुका है, और 23 रियाल इनकी फीस है, सबसे ज्यादा रेट यही दे रहे हैं 48.54 रुपये। मनीग्राम की बात करें तो 48.68 रुपये हो चुका है, 23 रियाल इनकी फीस है। मनीग्राम की अगर टेलीमनी ANB बैंक की बात करें तो 48.10 रुपये इनका भी रेट हो चुका है, और फीस इनकी 15 रियाल है। ये आज का डॉलर का रेट का यानी कि डॉलर रियाल का रेट था जिससे मैंने आपको अपडेट।